अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? जी सर अलहमदुल्ला, आप कैसे हैं सर? जी जी सर, अलहमदिल्ला। एक इम्पोर्टेंट आप आपसे बात पूछनी है। मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि जी कुछ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये डाउट्स है, तो मैं आपसे एक बार बात जी करके फिर मैं आपको भेजूंगा बोल के बोला मैं। अब मैं आपसे सुनो, मैं उनको बोलने से बेटर के मैं आपका रिकॉर्डिंग उनको भेजूंगा बोल के। सर वो दोस्त जी हमारे सर। महाराष्ट्र के हैं, और हाँ सर उनका जो टोटल फैमिली आसपास के लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ तक है तकरीबन। हाँ तो अभी जो आपा का जो वेंचर हुआ है ना, आप मुझे ये समझाइए, अब हमारा इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ का है, 1.5 करोड़ के वैल्यू का हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो हाँ सर इनिशियल अमाउंट हमें कितना शो करना पड़ेगा? एडवांस के तौर पर 25% कहा गया है, लेकिन जी आप जब इतना बड़ा अमाउंट है और इतने सारे लोग हैं तो एक बार बात करेंगे तो कुछ ना कुछ मुमकिन है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन सही बोल। तो ये पूरे मेरे कुछ इन्वेस्टर से, ये पूरे इन्वेस्टर से, नॉन हाँ कंप्लेनर हाँ से। जी बेशक बेशक इन्वेस्टर ही की बात हो रही है अपने लोगों की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात रखेंगे तो मुमकिन है कि उसमें कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी सेटलमेंट हो रही हैं, लोगों के लिए भी बेहतर है और कंपनी के लिए भी बेहतर है। जी और कंपनी तो ये भी नहीं लेती, लेकिन क्योंकि 25% जो एडवांस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना जी अमाउंट के अरेंजमेंट का, वो जी मजबूरी है, वरना कंपनी को ऐसे कोई मतलब मैंने टेंशन समझ नहीं रहा थी हूँ, किसी से लेने के। जी समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छा, और उनको एक भी बात, सेटलमेंट हो रहा है, सबको सब सबका सब उसमें वापस उनको इंक्लूड हो जा रहा है, कंपनी रख नहीं रही है वो, अच्छा मुझे इसीलिए। बताइए, 1 मिनट है, अभी ये जो प्लॉट्स आप बेच रहे हैं, ये 580 करोड़ के अंदर ये जो भी मिसल सेटलमेंट के अमाउंट को मिला के बताएंगे आप लोग कैसे? 580 करोड़ इकट्ठा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का टारगेट है, ठीक हाँ सर, अभी है, 580 करोड़ लेकिन में, जितने पाँच हाँ लेकिन सौ अस्सी करोड़ जितने जितने लोगों के सेटलमेंट हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि एक रियायत भी दी है ना, देना हर किसी को है किसी भी सूरत में। अभी जो सूरत खुल रही है वो सूरत के जरिए से लोगों तक पहुंचा जा रहा है। पहले क्या था, मैंने जैसा कि वीडियो जारी किया था उसमें बताया था कि सोना जब तक था तब तक लोगों को सोने के जरिए से सेटलमेंट किया गया, फिर जी बाद में अकाउंट्स में जो पैसे मिले कैश मिले उसके जरिए से लोगों को ट्रांसफर दिया गया। अब ये जमीनों की एक रियायत मिली है तो उसके जरिए से लोगों को रियायत पहुंचाई जा रही है, जिसको पसंद हो उनकी मर्जी के मुताबिक है, जरूरी नहीं है कि कोई हर कोई अपने आप को इसमें शरीक समझे। अच्छा, दूसरी बात, मिसाल के तौर पे, जैसा मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे अपनी कंपनी में 30 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट करके हूँ, अभी मेरे पास जी आगे सर पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं एक नॉन कंप्लेनर हूँ। मैं आपा ये पूरे केसेस पूरे बाहर आके आपा बिजनेस कंटिन्यू करेंगे बोल के मेरे को उम्मीद है, मैं उनके साथ चलना चाह रहा हूँ। अब मुझ जैसे जी लोगों के सर लिए क्या है? सर ऐसा है कि जिन लोगों को एक इंसान ये समझ रहा है कि मुझे किसी भी सूरत में, कुछ लोग कह रहे हैं कि चेक की सूरत में मुझे मेरे अमाउंट दे दिए जाए, जी बेशक वो 2 साल बाद का अमाउंट हो, ठीक ओके है, तो ऐसी सोच वालों के लिए ये सेटलमेंट का तरीका है। लेकिन ओके जो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम हलाल की तिजारत में नफा नुकसान दोनों में शिरकत कर रहे थे, नफा और नुकसान दोनों का एहतमाल था, हमने अपना जो है सेविंग लगाया था, हमें ऐसे कोई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पेश आ रही है और हमें भरोसा भी है कंपनी का, तो बेशक इंतजार करें। अभी जो सहूलत खुली है उस सहूलत के तहत आप तक तो पहुंचा जा रहा है, आगे चल करके और सहूलतें ओपन होंगी, मिसाल के तौर पर पैसे ट्रांसफर करने के, मिसाल के तौर पर कंटिन्यू करने के, लोगों के प्रॉफिट देने के, ये सारी चीज़ों के जरिए से भी इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचा जाएगा। मरहला दर मरहला की बात है, किसी को इंतजार होता है तो इंतजार कर ले जैसे आपने कहा, और अगर किसी को इंतजार नहीं होता है तो वो अपना इस वक्त का, इस जमीनों के सेटलमेंट का फायदा उठा सकता है। जी अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में जो सुनवाई है, मान लो कि हाँ हाँ आपने पूरे पैसे जमा कर दिए, उसके बाद में क्या सूरत हाल बनने वाली है? सर, पहली बात तो ये है कि जमा करने की बात नहीं कही गई है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अरेंजमेंट करने की बात कही गई है और अरेंजमेंट करके दिखाने की बात कही गई है, ठीक जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशगुमानी कहती है, कंपनी का कहना है कि अल्लाह ताला पर भरोसा है, हो जाएगा और अल्लाह जो बेहतर समझेगा वो होगा इंशाल्लाह। बाकी रह गई बात आगे के लिए क्या प्रोसीजर होता है सर, ये लॉ की बातें हैं, कानून की बातें हैं, ये कानून क्या चीज आगे मतलब सहूलत देता है उसके बिहाफ पर,
क्या इंट्रक्शंस लगाता है और क्या मतलब हाथ खोलता है, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जिसके लिए ये समझिए कि 18 तारीख तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। अच्छा ठीक है, अभी रमन साहब मैं ये आपका वीडियो हमारे सर्किल में मैं ही आपको रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन कोई लेना दिक्कत जरूरी है। नहीं, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। वेलकम।